हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन हिस्ट्री सीरीज में, जहां आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं तीन पीरियड में, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। आइए हम देखते हैं इसका टाइम पीरियड। एंशियंट इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक एज से 750 एडी तक है, और मेडिवल इंडिया का जो एज है वो 750 एडी से 707 एडी तक है, और मॉडर्न इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो 707 एडी से ऑनवर्ड्स है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने यहाँ प्री हिस्टोरिक एज क्या लिखा है, एडी क्या लिखा है। आइए सबसे पहले हम इन दो टर्म को देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक एज हिस्ट्री का वो एज है जिसको जानने के लिए हमें उस टाइम के स्केलेटन और पेंटिंग की जरूरत पड़ती है। प्री हिस्टोरिक एज में कोई भी आपको रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिलता था, इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्री हिस्टोरिक एज के लोग थे उन्हें एक्सप्रेस करने तो आता था, वो पेंटिंग से एक्सप्रेस तो करते थे, बट उनको उस टाइम तक स्क्रिप्ट कोई डेवलप नहीं हुई थी लिखने की, वो प्रिमिटिव ह्यूमन सिविलाइजेशन था। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी स्टैंड फॉर इन द बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर है उसमें जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था उसी ईयर की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था तो उस ईयर को हम एनो डोमिनी लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज बीसी। बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, वो टाइम पीरियड जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का है उसको हम बीसी कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया में हमें पढ़ना क्या है। एंशिएंट इंडिया में हमें ये पढ़ना है कि आप देखेंगे जो हमारा अर्ली ह्यूमन थे वो केव में रहते थे, फिर धीरे धीरे वो लोग इकट्ठा होने लगे, फिर उन्होंने खेती स्टार्ट की, उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट किया, फिर आपने सुना होगा महाजनपद एरा जो कि 6 BC में था, कैसे बड़े बड़े पावरफुल किंगडम एंशिएंट इंडिया में बने। और एंशिएंट इंडिया के एक बहुत ही पावरफुल किंग थे हर्षवर्धन, जो कि बहुत ही इंडिया के बहुत ही लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे उन्होंने रूल किया था। उनकी डेथ के बाद धीरे धीरे जो डिसइंटीग्रेट होने लगा उनका रूल, उसके बाद फॉरेन इन्वेजन हुए, और फिर आप मेडिवल इंडिया में देखेंगे सल्तनत काल को पढ़ेंगे, उसके बाद मुगल काल पढ़ेंगे, और 707 एडी में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी थी, जो औरंगजेब था मुगल शासक उसकी डेथ 707 एडी में हुई थी। और औरंगजेब जितने भी मुगल राजाओं ने भारत पे राज किया उसमें से सबसे बड़े हिस्से पे औरंगजेब ने राज किया था आगरा से। और उसके बाद आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया यहीं से स्टार्ट होती है। अब मॉडर्न इंडिया के स्टार्ट में आप देखेंगे कि कैसे यूरोपियन पावर जो कि ईस्ट वेस्ट से ईस्ट आए थे ट्रेड और कॉमर्स के लिए, और वो ट्रेड और कॉमर्स के पर्पज से ही पहले आए थे ईस्ट में, पर उन्होंने देखा क्योंकि जब औरंगजेब की डेथ हुई तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, और इस वैक्यूम को भरने के लिए अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन को बढ़ाया, और आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया। और जितने भी यूरोपियन पावर आए थे उसमें 4-5 थे, जैसे कि फ्रेंच थे, डच थे, डेनिश थे, ब्रिटिश थे। तो आप मॉडर्न इंडिया में ये पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने सबसे सुपीरियर निकले और उन्होंने कैसे पूरे इंडिया पे राज किया। मॉडर्न इंडिया में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमारा कंट्री जो कॉलोनिज्म से कैसे ये जर्नी है, कॉलोनिज्म से लेकर डेमोक्रेसी की जर्नी है, और कैसे जो छोटे छोटे टेरिटरी थे वो हमारा आज प्यारा भारत बन गया। और एंशिएंट इंडिया, हम एंशिएंट इंडिया को डिवाइड करते हैं कई सारे एजेस में, जैसे पैलियोलिथिक एज, मीज़ोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो सबसे पहले हम इन वर्ड का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे और फिर इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो पैलियोलिथिक एज मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, और मीज़ोलिथिक एज मतलब होता है मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक एज होता है नव पाषाण काल। तो जो पैलियोलिथिक एज था उस एज के लोग
जो थे स्टोन यूज करते थे जनरली, वो स्टोन यूज करते थे हंटिंग के लिए और फूड गैदरिंग करने के लिए। तो जो उसमें टूल यूज होते थे उसको हम क्रूड टूल कहते थे। और फिर मीजोलिथिक एज जो था, फिर थोड़ा मोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो उसमें हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं, माइक्रोलिथ यूज होता था, मतलब स्टोन ही यूज होता था पर उसका थोड़ा सा इम्प्रूव फॉर्म था। जैसे यहाँ जो ओल्ड स्टेन एज था वहाँ के जो टूल थे वो एक रैंडम पत्थर थे, कोई शेप डेफिनेट नहीं थी, कोई साइज नहीं डेफिनेट थी, उससे ज़्यादा कोई आउटकम नहीं था। पर इस एज में माइक्रोलिथ्स यूज हुए जिससे हंटिंग में फायदा हुआ उस एज के लोगों को। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो नियोलिथिक एज था इसमें जो टूल यूज हुए वो पॉलिश स्टोन यूज थे, वो पॉलिश स्टोन थे और जो कि एग्रीकल्चर में हेल्प करता था। और हम देखेंगे जो नियोलिथिक एज के लोग थे उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट कर दिया था, और जो पेलियोलिथिक एज के लोग थे उन लोगों का कॉन्सेप्ट सिंपल था, जो जानवर होते थे उनको मार के ये खा जाते थे। पर जब जैसे ही धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और ह्यूमन बींग का माइंड थोड़ा डेवलप हुआ तो उनको लगा अगर इन्हीं जानवरों को हम पाल लेते हैं तो इनसे कई सारे काम कराए जा सकते हैं और हमारे एग्रीकल्चर में भी हेल्प कर सकते हैं। और इसीलिए नियोलिथिक एज में एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टिंग हो गई थी। तो हमने देखा अभी कि स्टोन एज में हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने मीजोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम देखेंगे मेटल के हिसाब से एजेस। तो जो पहला हमारा है वो है चैलियोलिथिक एज और उसके बाद है आयरन एज। चैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 1800 से 1000 BC तक है और आयरन की डिस्कवरी 1000 BC में हुई थी। चैलियोलिथिक एज में के जो लोग थे उन्होंने कॉपर का यूज स्टार्ट कर दिया था, वो कॉपर को जान गए थे और उन्होंने उससे क्या बनाया बच्चों, कॉपर टूल, जिससे इनको एग्रीकल्चर में हेल्प मिली और इसके हिसाब इनको हंटिंग में हेल्प मिली। आयरन एज 1000 BC है और आयरन की जो डिस्कवरी थी एंशिएंट इंडिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि जो एंशिएंट इंडिया में जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो खेतों को जोतने के लिए प्लग की जरूरत थी और जो आयरन की डिस्कवरी थी इसी से जो प्लग थे जब आयरन के बनाए गए और जब आयरन के टूल बनाए गए तो इससे एग्रीकल्चर और हंटिंग दोनों में हेल्प हुई। तो आयरन की डिस्कवरी एंशिएंट इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी घटना थी और आयरन एज की आयरन की डिस्कवरी की वजह से एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई, क्योंकि आयरन से क्या हुआ, आयरन से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुई और जब एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुई तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से बड़े बड़े टाउन के धीरे धीरे अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई। जब एग्रीकल्चर जब सब्सटेंस इकोनॉमी थी, सब्सटेंस इकोनॉमी वो इकोनॉमी जिसमें कि जो खेती होती थी तो उससे केवल मतलब खुद के लिए होती थी, एक्स्ट्रा तो था नहीं तो जिसको हम बिजनेस के लिए सर्कुलेट कर सके। जब एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो वो शहरों में लेके गए, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स धीरे धीरे डेवलप हुआ। और आज की वीडियो में हमने देखा कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसको तीन पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। और इसके हमने टाइम पीरियड देखी, उसके बाद हमने एंशिएंट इंडिया में देखा कि स्टोन एज था, स्टोन एज में पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इसके बाद हमने मेटल एज देखा जिसमें चैलियोलिथिक एज और आयरन एज। आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो थी और हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए, खूब सारा कमेंट करिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।